वाकई? हाँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? पता नहीं। नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं करती। चुप क्यों हो, बोलो ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। फाइनल डिसीजन तो अम्मी और भाई का होगा। भाई परसों कराची से आ रहे हैं। तुम चल रहे हो ना घर वालों से मिलने? हाँ ठीक है डंडा, लेकिन तुम्हारे घर वालों से मिलने से पहले मैं कल तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? सरप्राइज। ओके। ऑर्डर करें? I think so. Okay. फिर क्या हुआ इरम? फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे किससे मिलवाना चाहता है। किससे मिलवाना चाहता था इरम? नहीं जाना चाहिए था मुझे वहां। नहीं जाना चाहिए था मुझे वहां पर। नहीं जाना चाहिए था। नहीं। उसने मुझसे कहा कि मुझे अंकल से मिलवाना चाहता है। तो तुम अंकल से मिलने घर पे गई? बहुत खुश थी मैं, बहुत। ये सब क्या है हमारा? मेरी इतनी सारी पिक्चर्स? यही तो मेरा प्यार है। आप हर वक्त हर लम्हे इस कमरे में मेरे साथ रहती हैं और मैं कोई भी लम्हा आपको देखे बिना गुजारना बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये तो मेरी कोई 4 साल पुरानी पिक्चर है, ये कहां से आई? आपके कॉलेज के सामने एक गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था। मैं वहीं से पढ़ा हूँ। और ये तस्वीर भी वहीं की है, याद आया कुछ? भाई कॉलेज के दरवाजे से बाहर एक दिन आप गुजर रही थी, मैंने आपको देखा। देखते ही वहां पर हो गई। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता थी, आप थी बड़े घर की, मैं तो आपके काबिल था ही। तो बस बहुत खामोशी के साथ मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही दिल में कर दी। और मुझे नहीं पता था कि किस्मत जो है मेरे साथ इतनी मेहरबान होगी। और हुआ वही कि ठीक 4 साल के बाद मैंने आपको फेसबुक पर देखा और मैं समझता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन आदमी हूं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अब यूं ही खड़े मुझे देखते रहोगे या अंकल से भी मिलवाओगे? मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा हाथ यूं ही थामे रहूं। अब ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, अंकल से मिलवाओ मुझे। अंकल नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कहीं भाग गए क्या? मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेला रहता हूँ और मैं अकेला ही इन तस्वीरों के साथ इस घर में रहता हूँ। तुमने तो कहा था कि झूठ कहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। और इमेजिन करो अगर मैं तुमसे कहता कि यहाँ कोई नहीं है तो क्या तुम आती यहाँ? लेकिन किस लिए? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता,
मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मैं जानता हूँ जब तुम्हारे घर वालों को ये मालूम होगा कि मैं एक सड़क छाप आदमी हूँ, तो तुम्हारा भाई मुझे और तुम्हें एक साथ नहीं रहने देगा। नहीं हमाद, मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं कहूंगी वो कबूल कर लेंगे तुम्हें। अरे ये सोच है तुम्हारी, वो ऐसा नहीं करेगा। बल्कि तुम पैसे वाले जब भी कोई नया रिश्ता बनाते हो ना, तो सबसे पहले हमेशा फैमिली बैकग्राउंड बैंक बैलेंस चेक करते होंगे, और ये दोनों ही मेरे पास नहीं है। मुझे घर जाना है। नहीं, क्या हुआ? मेरी जाति का जानकर तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई क्या? हाँ, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे घर जाना है। नहीं, मुझे हर्ट कर रहे हो। और तुम्हारे जाने से जो मैं हर्ट हूंगा वो उसका क्या, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? पागल हो गए हो तुम। हाँ हो गया हूँ मैं पागल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ, प्लीज नहीं जाओ। हाँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे घर जाने दो। और अगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूं तो क्या करोगी? जबरदस्ती करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी करूंगी, क्या सोच रही हो तुम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मैं तुमसे जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? बल्कि काम करते ना, तुम मेरी तारीफ करो, प्लीज मेरी तारीफ करो, मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ ना। हाँ अरे रिलैक्स, गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा एक काम करना, गुस्सा टूटते हैं, ओके? टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, ओके ओके। एक दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, आओ ना, देखो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आओ प्लीज अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बल्कि एक काम तो हम करना भूल ही गए, हम निकाह कर लेते हैं। हाँ हमें निकाह कर लेना चाहिए, इससे देखो ना हमारे जो ये शरीर मसले ना वो भी खत्म हो जाएंगे, और ये जो तुम झिझक रही हो ना वो भी खत्म हो जाएगा। प्लीज प्लीज मान जाओ ना। तेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बकवास बहुत बर्दाश्त कर ली, यहाँ नहीं मजीद रुकूंगी, तुम एक घटिया आदमी हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम गई तो मार दूंगा तुम्हें, और खुद को भी मार लूंगा मैं। लेके आ रहा हूँ, प्लीज यहाँ से नहीं जाना, हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ। बहुत खुश थी मैं, उसने मुझे वहाँ खान के हवाले कर दिया। खान कौन है? खान नहीं। इरम, खान कौन है? खान वो आदमी था जिससे आबाद ने 20 लाख रुपए लिए थे। उन 20 लाख के बदले उसने मुझे उस खान को बेच दिया।